हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.1 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 19.1 के 11 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आपको एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, ओके, और यहां पर उसका टोटल सरफेस एरिया भी आपको गिवन है। कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लेंगे जो भी आपको गिवन होगा, ओके, दैट इज टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको बोला गया है कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए, जैसा आपको बोला गया है वैसे ही आपको यहां पर जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से यहां पर लिखना है। देखिए, बहुत सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, है ना, यही तो आपको बोला गया है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू आपको गिवन है तो यहां से आप वैल्यू फाइंड कर देंगे, ओके, टोटल सरफेस एरिया 462। अब देखिए, प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2πRh। अब बच्चों, प्रॉब्लम आपको ये आने वाली है कि R और H का दोनों का वैल्यू आपको फाइंड करना है और आप यहां से तो दोनों का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ओके, तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मीन्स 2πRh का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगा 154। अब बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको बोला गया है फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर और यहां से आप इनका वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसे हमने यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया था टोटल सर्फेस एरिया का, लेकिन अब आपको क्या करना है, चलिए हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप यहां पर लिखेंगे 2πRh, ओके, इसी इक्वेशन को आपको यहां पर लिखना है, बट इस बार टोटल सरफेस एरिया की जो वैल्यू है इस वैल्यू की जगह आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है, आप लिखेंगे 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, ओके, यही तो होता है, ये आपका होता है 2πRh, ओके, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ओके, और ये आपका बेस का हो गया, ये भी आपका होता है पाई आर स्क्वायर। आप टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये आपका 2πR स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और प्लस करेंगे 2πRh, ठीक है, और इसी बात को हमने यहां पर लिखा है। अब बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां से आप R या फिर H का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उससे होगा क्या, आप यहां पर उस वैल्यू को पुट करेंगे और आप आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 6πRh इज इक्वल टू 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, ओके, अब देखिए यहां पर 6πRh है, यहां पर 2πRh, ओके, इसको आप यहां पर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये आपका हो जाएगा 6πRh माइनस 2πRh इज इक्वल टू 2πR स्क्वायर, ओके, ये आपका बचेगा 4πRh इज इक्वल टू 2πR स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका जाएगा 2 पर,
अब देखिए ये पाई से पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपका एक आर यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा। आपका एक आर फिर भी बचेगा क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर है ना, और यहां पर बचेगा आपका एच और टू, तो आपका ये हो जाएगा टू एच इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर आपकी आर की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो सिंपली जब आप यहां पर आर का वैल्यू रखेंगे तो आप हाइट निकाल सकते हैं, ओके। और जैसे ही आपके पास हाइट का वैल्यू आता है तो आप इक्वेशन नंबर टू में यहां पर वैल्यू रख देंगे क्योंकि ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है। ठीक है, सबसे पहले आप आर का वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे और फिर यहां से आपके पास हाइट का वैल्यू निकल के आ जाएगा और उसके बाद जो भी वैल्यू आता है एच का आप इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे और वहां पर आपका आर का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू पाई आर एच इज इक्वल टू 154, ओके। अब यहां पर आप आर का वैल्यू रख देंगे 2 पाई, ओके, आर का वैल्यू है आपके पास 2h, तो 2h आप यहां पर लिखेंगे इन टू एच इज इक्वल टू 154, तो ये आपका हो जाएगा 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो बच्चों अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 154 अपॉन आपका होगा 4 पाई। 4 पाई का मतलब क्या है, 154 अपॉन पाई का वैल्यू आप यहां पर लिख लेंगे 22 अपॉन 7, तो 7 आपका यहां पर चला जाएगा। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 की टेबल से आपका ये 2 से जाएगा और यहां पर ये आपका 77 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 77 डिवाइडेड बाई 22 दोनों ही 11 की टेबल में आते हैं, तो ये आपका जाएगा 7 से और ये जाएगा आपका 2 से। अब यहां पर आ जाएगा आपका 7 × 7 दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाई 2 × 2 दैट मीन्स 4। अब देखिए अब यहां पर आपको क्या करना है, अंडर रूट आप लेंगे क्योंकि 49 है, ठीक है, एच स्क्वायर है, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4। अब 49 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 × 7 अपॉन 2 × 2, इसका सिंपल सा मतलब है 7 आपका बाहर आ जाएगा और यहां पर आएगा आपका 2, तो 7/2 इज द आंसर फॉर द हाइट। तो बच्चों फाइनली आपके पास हाइट का वैल्यू आ चुका है 7/2 सेंटीमीटर, ओके। अब आप निकाल लेंगे वैल्यू आर का, ठीक है, अब आपको इस h का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो चलिए हम यहां पर इसको पुट कर देते हैं, 2h इज इक्वल टू आर, ओके, तो 2 × h का वैल्यू आप रखेंगे 7/2, 7/2 इज इक्वल टू आर, ओके, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r का वैल्यू आपके पास आएगा 7 सेंटीमीटर, ओके। तो फाइनली आपके पास r और h का दोनों का वैल्यू निकल के आ चुका है, ठीक है, h का वैल्यू है 7/2 सेंटीमीटर और r का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो मेटल सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ एक्सटर्नल रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये है आपका होलो मेटल सिलेंडर और इनर रेडियस है आपकी स्मॉल r और आउटर रेडियस को हमने डिनोट किया है कैपिटल R से और H है हाइट ऑफ द होलो मेटल सिलेंडर। इसके बाद आपको बोला गया है टेकिंग R टू बी इनर रेडियस ऑब्टेन एन इक्वेशन इन R एंड यूज इट टू ऑब्टेन द थिकनेस ऑफ द मेटल इन द सिलेंडर। तो देखिए कुल मिला के आपसे पूछा गया है कि ये जो सिलेंडर है इसका थिकनेस आपको बताना है ना, ये जो गैप है देखिए आउटर रेडियस और इनर रेडियस के बीच में कैसे है, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसको अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं, अगर हम बात करें जो आपका अंदर वाला सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, आप यहां पर देखिए इस सेंटर से लेके यहां तक होगा, है ना, तो इसको हमने बोला है इनर रेडियस, ओके, दैट इज आर, तो इसको मैं यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये आपका स्मॉल आर है। अगर हम बात करें जो बाहर वाला आपका सिलेंडर है, ठीक है, आउटर वाला, तो इसका जो रेडियस है वो आपका यहां तक होगा, है ना, जिसको हमने बोला है आउटर रेडियस दैट इज आर। अगर मैं आर में से
छोटा वाला आर माइनस कर दूं। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को मैं माइनस कर दूं, तो आपके पास ये जो गैप है, ये जो थिकनेस है, ये निकल के आ जाएगी और यही आपको फाइंड करनी है। और इसीलिए आपको यहाँ पर बोला गया है ऑब्टेन एन इक्वेशन इन आर, ठीक है, स्मॉल आर एंड यूज इट टू ऑब्टेन द थिकनेस ऑफ द मेटल इन द सिलेंडर। इसी को यूज करके आपको इसका थिकनेस निकालना है। इसका मतलब बड़ा आर माइनस छोटा आर आपको करना है। अब आपको ये कैसे यूज करना है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें गिवन है। टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है 338 पाई। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, वो क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है ना, टोटल सरफेस एरिया का, तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 338 पाई। अब बच्चों दो चीजें आपको और गिवन है, देखिए एक्सटर्नल रेडियस आपको गिवन है और हाइट आपको गिवन है। एक्सटर्नल रेडियस का मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ओके, और हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको 2 पाई हर जगह से कॉमन लेना है, ठीक है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, और यहां से भी आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई कॉमन लेने के बाद आप इसको बाहर लिख लेंगे, आपके पास बचेगा आर एच प्लस यहां पर बचेगा आर एच, ओके, यहां पर आर स्क्वायर बचेगा आपके पास, यहां पर आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा, और 2 कॉमन आप यहां से भी ले लेंगे, ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे 169। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 338 और पाई को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, तो यहां पर 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद देखिए बच्चों, आप यहां पर एच को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास कैपिटल आर प्लस आर, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब देखिए इसको एक्सपेंड ना करके अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को भी पुट कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एच का वैल्यू आप रख देंगे 10, आर का वैल्यू 8 प्लस आर प्लस, अब यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें, दैट मीन्स 8 × 8 यू विल गेट 64 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ठीक है, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 80 प्लस 10 आर प्लस 64 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए 10 आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देखिए 64 को भी आप यहां पर ले जाएंगे और 80 को भी यहां पर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस की वैल्यूज हो जाएंगी आपकी माइनस 64, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन वैल्यू आपका माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 144, ओके, आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 25, ओके, दैट मीन्स 10 आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बच्चों ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, यहां से आप आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए ये आपका यहां पर जो आर का कोफिशियंट है वो होता है आपका ए, ठीक है, अब यहां पर जो आर का कोफिशियंट है वो आपका बी है, और ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका सी है, ठीक है, तो आर स्क्वायर का हो गया आपका 1, ठीक है, बी का वैल्यू हो गया -10 और सी का वैल्यू है +25, तो इन सभी वैल्यूज को आप यहां पर पुट करेंगे, देखिए इज इक्वल टू -10, ठीक है, बी का वैल्यू है -10 तो हमने यहां पर रख दिया -10, ओके, प्लस माइनस, अब यहां पर आप रखेंगे बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर का मतलब है -10 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा आपका 100 माइनस, ओके, 4 इंटू ए इंटू सी। अब देखिए ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 25, आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है, अपॉन 2 × a, ए का वैल्यू है 1। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहां पर बचेगा 10 प्लस माइनस
ये आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है, अपॉन टू, दैट मीन्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर की फाइव। और बच्चों जैसे ही आपके पास आर का वैल्यू आ जाता है उसके बाद आप निकाल लेंगे आर माइनस आर। देखिए कैपिटल आर का वैल्यू था आपके पास एट, ओके, आप रखेंगे, देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं थिकनेस इज इक्वल टू आर माइनस आर, कैपिटल आर का वैल्यू है एट और स्मॉल आर का वैल्यू जस्ट अभी आपने फाइंड किया है फाइव, ओके, तो ये हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।